हम कोई हर 3 महीने के बाद अपने वर्कर्स का एक इजलास बुलाते हैं, उनसे रابطہ रखते हैं, उनके मसाइल क्या हैं। 50-100 आदमी मिल बैठते हैं तो वो अपनी अपनी बात बताते हैं कि हमारे इलाके में ये मसला है, ये बात है, एक दूसरे से मशवरा हो जाता है कि क्या करना चाहिए। फिर हम बता देते हैं कि हमने क्या किया अब तक, और उससे मुस्तकिल हम अपने आवाम के साथ एक रابطے में हैं। असल में काउंसलर या कोई भी MP MNA मुंतखब होता है तो इलेक्शन के बाद फिर आवाम से थोड़ा कट जाता है कि दोबारा जब इलेक्शन आएगी तो फिर मिलेंगे, तो आवाम बहुत गिला करती है। हम इस रिवायत को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर वक्त आवाम के साथ रابطے में हों, इस लिहाज से हम ये इजलास बुलाते रहते हैं। फिर हम हर साल ज़कात में तकरीबन 1,000 आदमियों को राशन देते थे। महंगाई का दौर था तो लास्ट टाइम जो हमने दिया तो वो आटा दिया था हमने 10-10 किलो, लेकिन उसमें एक मुश्किल पेश आ रही थी कि हम सियासी लोग हैं, किसी को मना नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो मुस्तहिक नहीं हैं लेकिन वो ज़िद करते हैं कि हमें भी दो, तो ज़मीर ये कहता है कि ये ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, क्यों ले रहा है। उसको हमने ख़त्म किया। फिर ये सोच आई कि हम लोगों को क्यों ना बेरोज़गार करें, वो अपना रोज़गार खुद करें और जाके अपना काम कर लें, ये मांगने वाली बात जो है या ज़कात वाली बात ख़त्म हो जाए। इस दफ़ा हमने रमज़ान में ज़कात जिस तरह राशन देना था वो नहीं दिया, उसकी जगह इस दफ़ा हम 8 आदमियों को रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। उसमें 5 ठेले हैं, एक गधा गाड़ी है, एक आदमी को कन्फेक्शनरी का सामान दे रहे हैं, और एक लेडीज़ हैं कैरी फ़कीरों में, वो पहले भीख मांगती थी, उससे वादा लिया है कि वो भीख नहीं मांगेगी, अपने घर में बैठ के ये काम करे और उससे अपना रोज़गार चलाए। ये जो 5 ठेले, इसमें 2 बंदों को सब्ज़ी का ठेला लगा के दे रहे हैं, एक को आलू प्याज का लगा के दे रहे हैं, एक बंदे को फ्रूट का ठेला लगा के दे रहे हैं, और एक बंदे को गोला कंडा का ठेला लगा के दे रहे हैं। देखिए 35,000 रुपये फी बंदे के हिसाब से हमने ये खर्च किया है। अल्लाह ताला कबूल करे और हमें भी हिम्मत दे कि आगे भी हम इसको चल सकें। कोशिश ये है, सोच ये है कि हर 6 महीने के बाद कम अज़ कम 5 आदमियों को हम रोज़गार दें तो लोग सुधरते जाएंगे, मेरा इलाका जो है वो सुधर जाएगा, इस तरह से सही जगह पर आ जाएगा। इस सोच के तहत ये किया गया। हमसे एक स्टाम्प लिखवाया है कि भाई आप जब तक भी करें ये आपका है, सारी ज़िंदगी करो, लेकिन आप ना बेचोगे ना किसी को किराए पे दोगे। अगर आप समझते हैं कि हमारे से ज़ोर हो गया, हम नहीं चला पा रहे, तो हमारे को वापस कर दें, वापस जमा करा दें। पैसे तो गए लेकिन ठेला हुआ हमारे पास, वापस जमा करा दें, फिर हम कोई और ढूंढ लेंगे, उसको दे देंगे। उम्मीद ये है कि वो लोग चलाएँगे।